हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास नाइन्थ साइंस केमिस्ट्री चैप्टर टू इस मैटर अराउंड अस स्फीयर। इस चैप्टर में हमने जो था प्रीवियस वीडियो में दो सेपरेशन मेथड्स को डिस्कस किया था, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ही आगे देखेंगे, बट उसके थ्रू हमने देखा था कि जो डिफरेंट गैसेज हैं हम उसको अलग कर सकते हैं। तो एयर जो है वो क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है ना, जिसमें और हम उसे सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो ये जो फ्लो चार्ट दिखाया गया है, फ्लो डायग्राम, इसके थ्रू बताया गया है कि किस तरह से अलग सेपरेट किया जा सकता है। तो एयर लिया, एयर को सबसे पहले कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, है ना। कंप्रेस एंड कूल, कंप्रेस कैसे करेंगे प्रेशर को बढ़ा के, और कूल डाउन कैसे करेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करके, है ना। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर कम किया, तो प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर कम किया तो उससे एयर जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस भी होगी और कूल भी हो जाएगी। उसके कारण हमको क्या मिलेगी, लिक्विड एयर। आपको पता है वेपर का यदि टेम्परेचर कम कर दिया जाए और प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वो लिक्विफाई फॉर्म में आ जाता है। देन अब हम इसको वार्म अप करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में इसे वार्म अप करेंगे तो जो गैसेज है वो अलग अलग हाइट पे डिफरेंट टेम्परेचर पे सेपरेट होती जाएगी, है ना। जैसे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है, -183, है ना। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 है, एर्गॉन का -186 है, नाइट्रोजन का -196 है, और बाय द वॉल्यूम ये इतने परसेंट हैं। तो इस तरह से ये सेपरेट होती जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन को सेपरेट करना है, आप देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह में सिर्फ ऑक्सीजन सेपरेट आउट करके फील की जाती है, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी गैसेस को ऑक्सीजन से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारी पहली प्रोसेस थी, कंप्रेस करेंगे टेम्परेचर को बढ़ा के और कूल करके, कूल डाउन करके टेम्परेचर डिक्रीज करके उसे कूल डाउन करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें ये किस फॉर्म में मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड जो एयर रहेगी उसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग हाइट पे हमको जो है वो उनके बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट होती जाएगी और हमें ऑक्सीजन जो है वो अलग से मिल जाएगी। ये डायग्राम देखिए, हमने एयर इसमें पास करी, फिर उसके बाद हमने प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ा के यहाँ पर जो है वाटर आउट फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, तो टेम्परेचर कम किया है, है ना। तो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है ये सेपरेटर में आई है, यहाँ आते आते ये लिक्विड एयर फॉर्म में हो गई है, ठीक है। और अलग अलग टेम्परेचर पे जो है, बाकी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है इसमें हीट कर रहे हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन एर्गॉन ये अलग अलग टेम्परेचर पे बाहर निकल गई है, और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो हमने यहाँ से इस कंटेनर में कलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को उसके कंपोनेंट से सेपरेट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये सेपरेशन हो गया है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था पूरा, जिसके थ्रू हम एयर को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग गैसेस के फॉर्म में। फिर मैंने क्रूड ऑयल का भी बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द एन इम्प्योर सैंपल। देखिए प्योर कॉपर सल्फेट हम किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट एक चाइना डिश में लेना है, इस तरह की चाइना डिश जो होती है उसमें कॉपर सल्फेट का सैंपल लेना है और उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करना है, ठीक है। अब हमें फ़िल्टर कर देना है, तो फ़िल्टर करेंगे तो इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज गो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और हम फिर उसे क्या करेंगे, वेपोरेट कर देंगे। वेपोरेट करने के कारण क्या होगा, जो वाटर है वो निकल जाएगा और हमारे पास कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। फिर सॉल्यूशन को हम कवर करेंगे फिल्टर पेपर पे से और फिर उसे अनडिस्टर्ब रहने देंगे, ठीक है ना, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे टेम्परेचर के थ्रू वो क्या होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा, और हमें जो
क्रिस्टल्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे, और ये जो प्रोसेस कहलाती है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन और इवोपरेशन में यही डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइजेशन में हमें इम्प्यूरिटीज़ नहीं मिलती है, इवोपरेशन में तो इम्प्यूरिटीज़ भी आती है क्योंकि सिर्फ वहाँ वाटर इवोपरेट होता है, बट क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती है। तो जब हमें प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स चाहिए रहते हैं तो इसका यूज़ करके करते हैं, जैसे हम सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करते हैं तो इसके साथ साथ क्या है, काफ़ी सारी इम्प्यूरिटीज़ भी आती है। ठीक है, अब हम यदि इस इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्योर सॉलिड को इसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन में से अलग कर देता है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन किन किन फॉर्म में बेटर टेक्निक है इवोपरेशन से, तो जैसे कुछ सॉलिड जो डिकम्पोज या कुछ जो है वो चैट हो जाते हैं या उनमें मतलब चिपक जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, है ना, तो हीट करने पर तो हमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छी है। फिर कुछ इम्प्यूरिटीज़ जो है वो रिमेन डिजॉल्व रह जाती है फिल्ट्रेशन में, तो इवोपरेशन से इनके कंटामिनेट जो सॉलिड है वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, देन हम एप्लीकेशन पे आए, तो एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो है सी वाटर से वो हमें इसके थ्रू मिल जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, फिटकरी का जो इम्प्योर सैंपल रहता है उससे हमें प्योर सैंपल ऑफ फिटकरी जो है जिसे हम पोटाश एलम बोलते हैं वो मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई भी एक मेथड से प्योर सब्सटेंस जो है वो बना सकते हैं। हमने इतनी सारी मेथड्स देखी हैं डिफरेंट टाइप की, तो हम इनमें से अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का जो है वो कर सकते हैं डिफरेंट मेथड के। अब देखिए, हमारे जो सिटी में पानी सप्लाई होता है वो भी क्या है, जिस रिजर्व वाटर से आता है उसमें भी काफ़ी कंटामिनेशन रहता है, तो वो क्या है, वो वैसे ही सप्लाई हो जाता है क्या, नहीं, उसको क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है। तो प्यूरीफाई करना भी क्या है, सेपरेशन ऑफ जो है सब्सटेंस से, है ना, मतलब उसमें जो डिजॉल्व अनडिजॉल्व सब्सटेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सेपरेट करना है, तो ये भी क्या है, एक सेपरेशन मेथड से। तो देखिए किस तरह से बताया गया है, ये रिजर्व वायर है जहाँ से पानी आ रहा है, पानी से एक सेडिमेंटेशन टैंक में लेके आते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को अनडिस्टर्ब रहने देते हैं, तो जितनी भी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ जो सेटल डाउन हो सकती है वो इस टैंक में सेटल डाउन हो जाती है, है ना, यहाँ पे क्या होंगी, वो सेटल डाउन हो जाएंगी। अब ये जो सस्पेंडेड मतलब मिली हुई इम्प्यूरिटीज़ है वो उसको लेके कहाँ जाएंगे, इस लोडिंग टैंक में आते हैं, है ना, जो सेटल हो गई इम्प्यूरिटीज़ वो उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से जो पानी है वो फिल्ट्रेशन टैंक में सप्लाई किया जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में देखो इतने सारे अलग अलग तरह का फिल्टर लगे हुए हैं, फाइन सैंड है, ग्रेवल है, कोर्स ग्रेवल है ना, तो जब इसमें से पानी फिल्टर होते हुए जाता है तो इस फिल्ट्रेशन के कारण जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ बची है अब उसमें, वो इम्प्यूरिटीज़ सारी इसमें फ़िल्टर हो जाती है, क्योंकि अलग अलग तरह के फ़िल्टर लगे हुए हैं, छोटे पतले है ना, एकदम बारीक, अलग अलग तरह के फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो इन फ़िल्टर से जितनी बची हुई इम्प्यूरिटीज़ है वो सेपरेट आउट हो जाती है। देन अब इसके बाद बचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह, तब उनकी इम्प्यूरिटीज़ के लिए क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है, क्योंकि वो इसमें तो किल हो नहीं सकती ना, इसमें वो सेपरेट आउट होंगी, तब इसके लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीनेशन का। ये जो क्लोरीनेशन होता है ये क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं पानी में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको वो मार देता है। ठीक है, और फिर जो वाटर है प्योर वाटर वो हमारे घरों तक सप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो था अभी तक के वीडियोज़ में हमने जो देखा, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस, है ना, कि सेपरेशन किस तरह से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। अभी तो हमने मिक्सचर के बारे में देखा था, मिक्सचर के टाइप और उनके सेपरेशन के बारे में देखा था, अब हम जो है प्योर सब्सटेंस के बारे में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज करके कमेंट करके। ठीक है, कीप स्टडी कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।